हेलो दोस्तों, आरुष हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू परप्लस डीटी टैबलेट का, जो कि एक डिस्पर्सिबल टैबलेट है जिसको लिफोर्ड हेल्थ केयर के द्वारा बनाया जाता है और जो मार्केट में अवेलेबल है 10 टैबलेट की पैकिंग में और जिसका MRP है 35 रुपीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टैबलेट किस काम में आती है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन जान लेते हैं। इसकी कंपोजिशन में है निमोसलाइड 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg, जो कि है एनालजेसिक एंटी पैरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो आइए जान लेते हैं इस मेडिसिन का यूज़ कहां कहां पर और किन किन बीमारियों में होता है। तो इस मेडिसिन का यूज़ होता है सिर दर्द, बुखार, दांत दर्द, गठिया के दर्द में, कमर के दर्द में, कान के दर्द में और पीरियड्स के दर्द में। आइए जानते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है प्रोस्टाग्लैंडिंस, जो कि प्रोड्यूस करता है पेन, स्वेलिंग और फीवर। हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिंस को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है दर्द से, स्वेलिंग से और फीवर से। चलिए बात कर लेते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, या फिर यूँ कहें कि किसको नहीं देना है। तो दोस्तों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को 12 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपको स्टमक अल्सर है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप इस दवाई का सेवन बिल्कुल भी ना करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये बिल्कुल भी नहीं देना है। बात करें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, रेडनेस ऑफ स्किन हो सकता है और इचिंग हो सकती है। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं इस पर वार्निंग लिखी हुई है, टेकिंग मोर देन डेली डोज में कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शंस, एग्जाम्पल स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ, थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इचिंग और रैशेज, ये आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। तो प्लीज़ कभी भी मेडिसिन लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई दवाई ना खाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।